purple flame on the beat. स्वागत है आपका आज जयपुर में स्थित नाहरगढ़ फोर्ट में। पिछले वीडियो में मैंने आपको जयगढ़ फोर्ट दिखाया था और आज मैं नाहरगढ़ फोर्ट में आया हूं इसको विजिट करने के लिए। यहां से देख सकते हैं, यहीं से एंट्री है नाहरगढ़ फोर्ट की। और प्राचीन महल और इमारतों के बीच एक ऐसा फोर्ट जहां घूमना और उसके बारे में जानना अक्सर पर्यटक भूल जाते हैं। यहीं से हमने एंट्री करके सबसे पहले टिकट लिया और यहीं से एंट्री करके हम थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे तो यहीं पर ही शीश महल है जिसकी अलग से एक टिकट लेनी पड़ेगी आपको 500 रुपये। यहाँ पे अंदर फोटो अलाउ नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको विजिट नहीं कर पाया, इसको मैं दिखा नहीं पाऊंगा। यहीं से मैंने आगे चला और जी हाँ, जो मैं बात कर रहा था प्राचीन महल और इमारतों के बीच एक ऐसा फोर्ट जहाँ घूमने और उसके बारे में जानना अक्सर पर्यटक भूल जाते हैं। और विश्व प्रसिद्ध फोर्ट नाहरगढ़ किले के बारे में मुगल और राजपूताना शान के लिए प्रसिद्ध रहा यह किला आज भी समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ से देख सकते हैं ये पौंड कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया था, काफी पुराना बना हुआ यह तालाब है। यहाँ से देख सकते हैं इसकी खूबसूरती। और आज हम इस लेख में आपको इस किले के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इंटरेस्टेड है। वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं यहां से। इस फोर्ट के इतिहास की बात करें तो साल 1734 में जयपुर के संस्थापक कहे जाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह ने नाहरगढ़ किले को बनवाया था। लगभग साल 1868 के आसपास बनकर यह तैयार हुआ महल। कहा जाता है कि उस समय इस किले को गर्मियों के मौसम में अधिक इस्तेमाल किया जाता था। इस किले को लेकर यह बोला जाता था कि राजस्थान का एक मात्र ऐसा फोर्ट है जहां कभी भी हमला नहीं हुआ। साल 1857 के सिपाही विद्रोह के समय कई स्थानीय और यूरोपीय लोगों को इस महल के हिफाजत के लिए रखा गया था। कहा जाता है कि पहले इस किले को सुदर्शन गढ़ के किले नाम से भी जाना जाता था लेकिन बाद में नाहरगढ़ किले का नाम दे दिया रखा गया। और इस किले की वास्तुकला की बात करें तो इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर के रूप में विख्यात यह महल बेहतरीन संरचनाओं के लिए जाना जाता है। जयपुर के कई शासकों को मंदिर भी इस महल में स्थापित है। कहा जाता है कि इस फोर्ट में रानियों के लिए लगभग 12 खास और अद्भुत कमरे बनवाए गए थे। इस महल के दीवाने आम एक ऐसी जगह थी जहां अक्सर राजा अपने प्रजा के मिलकर उनको दुख सुना करते थे। दीवारों पर अलग अलग चित्र इस और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस फोर्ट को जयपुर में सबसे सुरक्षित फोर्ट माना जाता है। और नाहरगढ़ किले के अंदर सबसे आकर्षित और सबसे प्रसिद्ध माधवेंद्र पैलेस है। कहा जाता है कि इस पैलेस को महाराजा सवाई माधव सिंह द्वितीय ने अपने शानदार वापसी के रूप में इसका निर्माण करवाया था। हालांकि पहले अंदर सैलानी घूमने के लिए नहीं जाना जाता था जा सकते थे लेकिन साल 2017 में इस आम जनता के लिए खोल दिया गया। इसे कल्चर पार्क अतः माधवेंद्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यहां से मैं आपको थोड़ी सी आपको दिखाऊंगा यहाँ की आर्ट कितनी खूबसूरती से इसको दिखाया गया है। यहाँ से देख सकते हैं एक एक चीज को मैंने यहाँ से कवर करने के लिए कोशिश करी है। यहाँ से देख सकते हैं इसकी आर्ट, यहाँ से देख सकते हैं, देखिए
ये देखिए यहाँ से, और शायद आपको जानकारी हो तो मैं बताना चाहूंगा, अगर नहीं मालूम हो तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नाहरगढ़ फोर्ट में आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती की ज्यादातर शूटिंग इस फोर्ट में हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत की शुद्ध देसी रोमांस फिल्म की शूटिंग इस किले पर कर चुके हैं। फिल्म पद्मावती के कुछ हिस्से भी इस किले से ही लिए गए हैं, यहां से देख सकते हैं। इसकी आर्ट बहुत ही प्यारी है, इसको मैंने कोशिश करी है डीपली इसको कवर करने की, यहां से देख सकते हैं। और यहां से हम चलेंगे अब टॉप पे, और इसकी एक थोड़ी सी हिस्ट्री की और बात करें तो कहा जाता है कि जयपुर में सबसे मशहूर और डरावना किला भी ये कहा जाता है, सिर्फ राजस्थान और भारत में नहीं नहीं बल्कि पूरे विश्व में भूता जगहों में शामिल है ये। आज हम आपको इसके लिए बारे में बताने जा रहा हूँ। पूरी दुनिया में इस किले को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं और पूरे दिन इसका भ्रमण करते हैं, लेकिन रात होने से पहले वापस लौट जाते हैं। कहा जाता है कि इस किले में रात को रुकने वाला कोई भी शख्स आज तक जिंदा बच नहीं पाया। और राजस्थान की राजधानी जयपुर में बना नाहरगढ़ फोर्ट पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ नाहरगढ़ फोर्ट का किला जयपुर में स्थित है, और नाहरगढ़ का अर्थ होता है बाघों का निवास। नाहरगढ़ किला, आमेर किला और जयगढ़ किला ये आसपास ही हैं। ये तीनों मिलकर जयपुर शहर को सुरक्षा देते हैं। नाहरगढ़ किले का नाम पहले सुदर्शनगढ़ किला था। इस किले में रानियों के रहने के लिए 12 खास कमरे बनाए गए थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और जयपुर में राजा के लिए एक सुंदर कमरा बनाया गया था। कहते हैं कि नाहरगढ़ किले के निर्माण के समय असाधारण गतिविधियां देखी गई थी। मजदूर जो भी काम करते थे वह कार्य दूसरे दिन वापसी उनको करना पड़ता था, क्योंकि मजदूरों के द्वारा किए गए कार्यों को रात में कोई तहस नहस कर देता था या देखकर मजदूर डर जाया करते थे। और अगर इसी के आसपास आप जाएंगे तो यहां से देख सकते हैं व्यू, सबसे खतरनाक जंगल कहा जाता है। नाहरगढ़ किले के चारों तरफ से रावली पर्वतमाला के द्वारा घिरा हुआ ये है, और नाहरगढ़ फोर्ट के पास ही एक बहुत बड़ा घना जंगल है। कहते हैं कि राजा इस जंगल में शिकार के लिए जाया करते थे। आज भी यह जंगल बहुत ही खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जंगल के जानवरों को घूमते हुए देखा जाता है, और यहाँ पर आने वाले पर्यटक भी इस जंगल से दूर रहते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है, और बहुत ही ऊंचाई के ऊपर इस फोर्ट को बना हुआ है। जब आप ऊपर चढ़ के जाएंगे तो देख पाएंगे इसकी ऊंचाई, और बहुत ही जबरदस्त व्यू है इसका। यहाँ से आपको लगभग पूरा, मुझे लगता है, जयपुर आपको अच्छे खासा दिखाई देगा यहाँ से। और अगर आप नाहरगढ़ किला घूमने की सोच रहे हैं तो अक्टूबर से मार्च का समय बहुत ही खूबसूरत है नाहरगढ़ किला घूमने के लिए। और नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर को घूमने के लिए आपको 3 से 4 घंटा समय लग सकता है, जिसमें आप इजीली फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। नाहरगढ़ का पूरा सप्ताह खुलता है। नाहरगढ़ किले की टाइमिंग सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक की है। आप इजीली यहाँ आराम से घूम सकते हैं, 2 से 3 घंटे आपको लगेंगे इसको घूमने के लिए। और इसकी टिकट के लिए बात करें तो भारतीयों के लिए सिर्फ 50 रुपये की टिकट है, और वही टिकट फॉरनर्स के लिए 200 रुपये की है। तो इसी के साथ यहीं से मैं अपने वीडियो का एग्जिट करते हुए, यहाँ से देख सकते हैं, मैंने पूरा कोशिश करी है इसको पूरे फोर्ट को कवर करने की। यहीं से मैं अपने वीडियो को एग्जिट करते हुए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैं आपको आमेर किला दिखाऊंगा, और यहीं से मैं एग्जिट करता हूँ। दैट्स द एंड ऑफ माय वीडियो। मैं फिर मिलूंगा एक नई जर्नी के साथ, नई वीडियो के साथ। गुड बाय।